आवाज़ के थ्रू या कि दोस्तों कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कुल्यात भाव तपसु सर्वेशु एकाग्रता परम तप। परमात्मा को अपना मन एकाग्रता के अभ्यास के साथ साथ विवेक जगाते रहो। इतना कर लिया आखिर क्या, इतना सारा समय इंद्रिय जगत में मन की कल्पनाओं में चला जाए तो मनुष्य के जीवन का अनर्थ हुआ। मनुष्य का मतलब क्या, मनसा स्वेति इति मनुष्य, मन से जो सीले संबंध जोड़ ले वह मनुष्य। ये चद्दर हमारी, ये थाली हमारी, ये पेन हमारी, ये गाड़ी हमारी, ये जूता हमारा, ये पैंट हमारी, ये टाई हमारी। अरे टाई को अपनी कह सकते हो, पैंट को अपनी कह सकते हो, तो उस परमात्मा को अपना बनाने में तुम्हारा क्या जाता है। हरे हरे। वास्तव में परमात्मा के सिवाय और कुछ तुम्हारा है ही नहीं, लेकिन चेतन से उत्पन्न होने के कारण मन में ऐसा कुछ समात्कार है कि वह जैसा सोचता है वैसा सत्य ही भासता है। सत्य स्वरूप से ही मन फुरता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही सत्य भासते लगता है। आप सोचें कि जगत में दुख है, पीड़ा है, मुसीबत है तो जगत बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। भोग की नज़र से देखेंगे तो जगत भोगने के लिए ऐसा लगेगा, लेकिन संसार के स्वामी को पहचानने के लिए विचित्र परिस्थितियों से पसार होकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की पाठशाला की नज़र से संसार को देखेंगे तो उसमें आप उत्तीर्ण होते जाएंगे। हरे हरे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेमियों, आपसे कोई ऊंचा दिखता है तो आप सिकुड़ मत जाना। कोई आपसे ज्ञान में समझने में छोटा दिखता है तो अकड़ मत जाना। वह छोटा विद्यार्थी है, पढ़ते पढ़ते ठोकर खाते खाते वह भी एक दिन पास हो जाएगा। जो ऊंचे पहुंचा है वह एक दिन आप ही पहुंच जाओगे। बड़े देख कर ईर्ष्या और छोटे को देख कर घृणा नहीं होनी चाहिए। जो बड़े में है वह का वही छोटे में छुपा है और मुझ में वही का वही है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे हरे। मित्रों, कीड़ी में नाना बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों, बन महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जो देखूं तू को तू। दाता मैं दाता बन बैठो, भिखारी के भेलो तू, ले झोली ने मांगन लाग्यो, देवालो दाता तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूँ आ तू को तू। चोरू में तू चोर बन बैठो, बदमाशु के भेड़ो तू, कर चोरी ने भागने लागो, पकड़ने वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जू देखूँ आ तू को तू। हरे हरे। जब पुण्यदय होता है ऐसा बहुत दिन बुद्ध पुरुषों को, आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों को हुआ, उनका दर्शन करना भी सबके बस की बात नहीं है। सात जन्मों के पुण्य जब जोर करते हैं तब आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों के दर्शन करने की इच्छा होती है। मित्रों, दूसरे सात जन्मों के पुण्य जब जोर करते हैं तब उनके द्वार तक पहुँचते हैं। तीसरे सात जन्म के पुण्य जब सहमत होते हैं तब उनका दर्शन लाभ और उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास होता है। फिर वे पुण्यात्मा परमात्मा की ओर ठीक से चल पड़ता है। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब फ्री है, नितांत आवश्यक।